और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां नाबालिग लड़कियों को बेचने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला का नाम बबली बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बबली पर 30,000 रुपए का इनाम था। शादी का झांसा देकर लड़कियों को बेच देती थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लड़कियों को बेचती थी महिला। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की खबर ग्वालियर से है, जहां नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर बेचने वाली आरोपी बबली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बबली पर 30,000 रुपए का इनाम था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लड़कियों को बेचती थी यह महिला। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां लड़कियों को शादी का झांसा देकर बेचने वाली आरोपी बबली को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस महिला पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। तो इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई ग्वालियर से देखने को मिल रही है, जहां नाबालिग लड़कियों को बेचने वाली महिला गिरफ्तार की गई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी महिला पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें, आरोपी महिला का नाम बबली बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शादी का झांसा देकर लड़कियों को बेच देती थी आरोपी। 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लड़कियों को बेचती थी यह महिला। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ले जाके बेचने की बात अभी सामने आई है, पर उनकी सबकी पुष्टि की जा रही है। हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है और मुझे लग रहा है इससे और भी खुलासे होंगे। क्या जो बच्ची है किडनैप करी तो वो बरामद हुई? अभी बरामद हो गई। कैसे क्या दृष्टि थी, क्या कलेक्शन? दोनों मिलके